हेलो फूडीज, शेफ रहगास किचन में आपका स्वागत है। बना रहे हैं स्नैक से ब्रेकफास्ट के लिए वड़ा रेसिपी। इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं एक बाउल साबूदाना। साबूदानों को डालेंगे हम एक बर्तन में। इसमें डालेंगे पानी और इन्हें तीन बार वाश कर लेंगे अच्छे से। वाश करने से इसका जो मांड होगा वो निकल जाएगा। तीन बार साबूदाने को धो लिया है हमने। जितने साबूदाने ली थी उसका डबल पानी डालना है और 6 से 7 घंटे के लिए हम इनको भिगोकर रख देंगे। साबूदाने मैंने भिगोकर रखे हुए थे, आप देख रहे हैं कितने खिले खिले साबूदाने बने हैं और ये डबल हो गए फूलकर। देखिए, एक कटोरी साबूदाना में हम लेंगे 4 मीडियम आलू जिनको मैंने उबाल कर रख लिया है। अब मैंने ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से साबूदाने जो हम वड़े बना रहे हैं उसमें लम्स नहीं आएंगे। इस तरह आपको आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू को ग्रेट कर लिया है। आलू डालने से साबूदाने के वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आधा बाउल लेंगे मूंगफली के दाने, इनको मैंने रोस्ट कर लिया और इनको मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे। देखिए, दाने को मैंने मोटा और दरदरा पीस लिया है। एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे भिगोए हुए साबूदाना, पीसे हुए मूंगफली के दाने, ग्रेट किए हुए आलू, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, पत्ती लेंगे हम मीठा नीम या करी पत्ते की और इसको बारीक काट कर डालेंगे। मीठा नीम, सूखे धनिया की पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच डालना है सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, खटाई के लिए डालेंगे 1 चम्मच दही, 1 पिंच डालेंगे मीठा सोडा। सभी सामग्री डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी सामग्री को मिक्स कर लिया, अब अपने हाथों में लगाएंगे पानी और उसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे इस तरह से। इस तरह बना लेंगे सभी सामग्री के। दाने के 2 तरह से वड़े बनाएंगे, एक तो गोल बना ली, दूसरे को मैंने टिक्की का शेप दिया और बीच कर देंगे इस तरह से। जिस तरह हम मेदू वड़ा बनाते ना, इस तरह बनाना है। दोनों तरह से साबूदाने के वड़े बना लिए हैं। पैन को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। तेल को ज़्यादा गर्म कर लेना है। तेल गरम हो रहा है इतने में हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। साबूदाने के वड़े को आप धनिया की चटनी सॉस के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मुंबई में इसे दही की चटनी के साथ लिया जाता है। तो इसके लिए लेंगे हम गाढ़ा वाला 1 कटोरी दही। दही में डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। एक आम लिया है मैंने, आधा कच्चा और आधा पका, इसे छील लेंगे। आधे आम को ग्रेट करना है इस तरह से। आम को ग्रेट कर लिया, इसे मिलाएंगे हम दही की चटनी में। ग्रेट किए हुए आम को दही के साथ अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा काला नमक। नमक मिलाने के बाद इसे हिला लेंगे। ये दही की चटनी तैयार है साबूदाने के वड़े के लिए। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम साबूदाने के वड़े। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए आपको फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद हम मीडियम कर देंगे। कुछ देर बाद साबूदाने के वड़े को हम पलट देंगे, देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई करेंगे इनको कुरकुरे होने तक। साबूदाने के वड़े फ्राई हो गए, आप देख रहे हैं वड़े फूल कर ऊपर आ गए हैं तेल के ऊपर, यानी कि वड़े तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका तेल जलने देंगे। अब हम इन्हें निकालेंगे प्लेट में। क्रिस्पी साबूदाने के वड़े तैयार है। इन्हें आप नवरात्रि या उपवास में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेटिंग मैंने लिया 1 गिलास, इसमें डालेंगे दही की चटनी 2 चम्मच, 1 पिंच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ऊपर रखेंगे साबूदाने का वड़ा। फ्रेंड्स, आपको साबूदाना वड़ा की रेसिपी कैसी लगी? आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।